जब से अभी मैं यहाँ से बाग का देख के आया हूँ, जो ये देखो आसपास ही है कहीं ना कहीं, ये देखो, अरे है भाई कुछ ना कुछ है इधर। वो सच में ही बाघ था। बाघ परसों ही कुत्ता को भी ले गया वहां से, इससे पहले भी। हाँ, बक बक करने की जरूरत नहीं है, मुंह पे तमाचा है उनके। किसी बंदे ने बोला क्या वीडियो बनाता है, जिसको पसंद है वो तो गांव आ जाएगा। यहाँ से आओ। हाँ, यहाँ से नीचे हो। यहाँ से नीचे ना, एक मिनट यार, एक तो कह रहा हूँ यार, जो रहते हैं ना यहाँ पर उन्हीं को पता है, और जो नहीं आते या आते भी हैं। और मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, को एक चीज़ कहनी है, बड़ी टाइम से मेरे को था यह चीज़, अभी कुछ टाइम पहले से जिसने मेरे को कहा कि किस लिए बनाता है वीडियो, क्या ज़रूरत है, किसी ने कहा मेरे को, उसको ज़रा मुँह तोड़ जवाब दे दूँ ज़रा। ये रहा रास्ता, देखो थोड़ा रिलैक्स लग रहा है मुझे ना। एक किसी बंदे ने बोला क्या वीडियो बनाता है, जिसको पसंद है वो तो गाँव आ जाएगा, पसंद कर लेगा। मैंने बोला तू ये बता जहाँ तू अभी है, ठीक है, किसी ने तेरी वीडियो बनाई उधर ही जहाँ पर तू अभी है, ठीक है, और वीडियो बना के कहीं डाल दी, तेरा बेटा पर पोता, ठीक है, पोता तेरे को पहचानेंगे कैसे, तेरी फ़ोटो से। चल ठीक है, तेरी फ़ोटो से, वीडियो से नहीं देखेंगे कैसी आवाज़ थी, क्या था, कैसा इंसान था, कैसे देखेंगे तेरी पीढ़ियाँ। वो कह रहे तुझे क्या ज़रूरत है, तू दिखा अपना। अरे भाई दिखाऊँ, दिखा मैंने बहुत दिया है, और अब मैं दिखा रहा हूँ वो कि जो लोगों ने नहीं देखा है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम यहाँ रह के भी कुछ कर पाए नहीं, ठीक है, और मुझे बोल रहे हो कि वीडियो क्यों बना रहे, क्यों कर रहे हो, समझ रहे हो, इसलिए ना चुप रहो बिल्कुल। जो ज़्यादा करते हैं बक बक कर रहे हैं, बक बक करने की ज़रूरत नहीं है, मुंह पे तमाचा है उनके, कुत्ते की क्या हालत कर रही है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ फालतू बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी हिम्मत है नहीं, तुमने बस बकरियाँ ही देख रखी हैं, तो बकरियाँ ही देखो, बाघ आज तक तुमने देखा नहीं है, ठीक है। कुत्ते को बकरी बना दो तुम, बाघ को भी बकरी बना दो तुम, ठीक है, यही बोलो, ठीक है। अभी का ब्लॉग रखता हूँ इतना ही, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरे साथ अभी विशाल है, जिसने अभी इतनी हिम्मत कर दी, ठीक है। विशाल तू एक चीज़ सच बताइयो, तेरी अभी कुछ देखो डर लगा नहीं, डर लगा सच्ची बताइए, डर लग रहा है थोड़ी बहुत, अभी भी लग रहा है। हाँ अभी लग रहा है। अब एक चीज़ बता, तू तो यहाँ रहता है, हाँ, तो कितना डर बना रहता है यहाँ पर, या डर ये नॉर्मली बताइयो, कुछ ये नहीं कि तू बनावटी बोल रहा है, कुछ नहीं, तू बोल के तेरे नॉर्मल है या नहीं है, बस इतना बता। गाँव में बाघ आता है तो कोई नहीं आता है बाहर, बाहर नहीं आता है, नहीं, और डर जाते हैं, डर जाते हैं, हाँ, देख रहे हो। और एक चीज़ ये भी है कि काफ़ी जने सोचते हैं कि चल मैं समझता हूँ कि चलो बाघ है, आता जाता रहता है, हाँ, बाघ तो, अब मैं शहर से आया मैं तो डरूंगा ना यार। हाँ डरेंगे, तेरे तो मैं बोलूँ तो नॉर्मल भी हो सकता है, क्यों तुम्हारे आसपास आता ही है कहीं ना कहीं। हाँ रोज आता रहता है भाई, मेरे तो डर है ना, परसों ही कुत्ता को भी ले गया वहाँ से, इससे पहले भी। हाँ, और हाँ मैंने आपको बताया नहीं, ये जो बाघ है ना हमारे घर के लेफ्ट साइड में जो थाड़ है वहाँ पर दिखा था, हाँ, वहाँ से कुत्ते को लेके गए, और ये कुत्ता शायद बनकुड़ी का है ऐसे, हाँ, सुनने में आया है ना, बनकुड़ी, ठीक है। तो भाई अभी का व्लॉग रखते हैं इतना ही, अब चलते हैं सीधा घर, और सच्ची में रिलैक्स लग रहा है। तुझे कैसा लग रहा है वो, आप थोड़ा ठीक लग रहा है ना, मेरी कसम से फटके चार हो गए थे यार उस टाइम जब गाँव पास में पहुँचे थे, कोई नहीं, और पहले सबसे पहले ढूंढा था दीपू चाचा ने, जो बेचारे डॉगी को मार रखा है बाघ ने, ठीक है। गाँव वालों तो ऐसे सोचते हैं मजाक है, मजाक है ये समझते हैं ना। और मैंने जो वीडियो, हाँ खुई देखा था, वो माँ वो बोले थे हिरन है, हिरन है, बहुत है, बहुत क्या होता है यार, नहीं काखड़ काखड़ का बहुत क्या होता है, तुझे बहुत पता है, नहीं बहुत शायद कुत्ते जैसा होता है कुछ दिखने में, ऐसा कुछ होता है ना, बोले सियार ऐसे हैं, हाँ, ऐसे बकवास कर रहा है, सुंगर है, सुंगर है, वो सच में ही बाघ था, बाघ था और रियल में निकला है वो, हाँ ऐसे बोले थे गाँव वालों। अरे सारा माननी चाहिए भाई जो बोलता है ऐसा, कि नहीं बाघ नहीं कुछ और है, कुछ और है, हमारे शक्ल देख के नहीं पता चल रहा क्या आपको, खौफ दिखाऊंगा ना हालत खराब हो जाएगी। इसके टाइम हम इधर ही थे है ना, हाँ इधर इससे थोड़ा सा आगे है, इधर ही आगे थे, चलो आगे, आगे थे, चलते हैं। नहीं नहीं विशाल अभी आगे मत जाओ समझा कर, अभी अंधेरा भी होने लग गया, ठीक है। तो इधर ही की साइड हम थे, यहीं से वापस आए थे, और इससे और दीपू चाचा को नीचे की साइड कुछ दिखा था, हाँ। और रात के टाइम भाग आ गया है ना, हाँ। तो चल अब चलते हैं सीधा, ठीक है। क्या आवाज़ आ रही है बड़ी तेज, अभी देखना ये देखो, देख रहे हो काखड़ की आवाज़, जब से अभी मैं यहाँ से बाघ का देख के आया हूँ, जो ये देखो आसपास ही है कहीं ना कहीं, पता है ये जब भौंक करते हैं ना, आवाज़ करते हैं तो ना 50-50% होता है कि कोई ना कोई है जानवर आसपास, 50-50%। देखो अभी जस्ट हम देख के, देखो ये देखो, और आवाज़ पास से ही आ रही है ना,
कोई ना कोई है यार इधर, बाघ वाघ का डर लग। ये देखो एक मिनट रुकियो, इधर ही है आसपास यार, है ना? वहाँ सामने दिख नहीं रहा ना, दिख नहीं रहा अभी, आवाज आ रही बड़ी तेज है, इधर ही आसपास ही, और अभी वीडियो बना के आ रहे हम। क्या होगा भाई? चलो क्या आवाज सामने से आ रही थी? हाँ सामने से पेड़ है ना बड़ा सा, वहाँ से आ रही। चलो एक काम करते हैं, अगर कोई फिर आवाज आएगी तो चलो देखते हैं, बाकी पक्का है कि बाघ आसपास ही है, वो कुत्ते को खाने के लिए फिर आया है ये लग रहा है मेरे को, है ना? चलो देखते हैं। ये देखो, अरे है भाई कुछ ना कुछ है इधर, मुझे लग रहा है वो भैंस की आँख। ये ऊपर से कहीं से आवाज आ रही है यार, देखो ये आराम से आ रहे हैं। चलो भाई एक बार चलते हैं देखते हैं, नीचे ही है वो काकड़ की आवाज़ ना। हम जा रहे हैं घर की तरफ और आवाज़ जो आ रही थी इधर आ रही थी, मुझे थोड़ा सा इधर उधर से आ रही थी आवाज़, और आवाज़ गूंजते गूंजते ऊपर आ रही थी, फिर थोड़ी देर में ऊपर ही आवाज़ रह गई यहाँ पर। अब पता नहीं क्या चीज़ होगा, मुझे तो पक्का यकीन है कि बाघ ही है, पक्का बाघ ही है तेंदुआ। ठीक है, अब सबसे बढ़िया कि घर चलते हैं, और कल भी मैं देखूंगा कि शायद लग रहा कुत्ते को पूरा ही खा जाएगा वो, तो देखने जाएंगे कि खाया कि नहीं खाया, या फिर है कि नहीं है, वो मेन देखने के लिए। ठीक है, तो ब्लॉग रखता हूँ मैं इतना ही, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और अंधेरा आप देख सकते हो कितना हो चुका है, और अभी 6 भी नहीं बज रहा है, इतना अंधेरा हो चुका है। ठीक है, इसीलिए हर चीज़ लें पर मजाक ज़्यादा ना लें। ठीक है, अभी का ब्लॉग रखता हूँ इतना ही, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।